फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा होम रेमेडी जो एक्नी स्कार्स पिंपल साथ में जो इनको डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन होता है ये सारा कुछ रिमूव करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, आपका चेहरा बनाएगा बहुत ही ज्यादा फर्म एंड टाइट और बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, काफी सारी चीजों में ये यूज भी होता है। तो वो क्या चीज है पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है एलम यानी फिटकरी, जो आसानी से आपको कोई भी स्टोर में मिल जाएगा। ग्रोसरी स्टोर में अगर आप बोलेंगे एलम देना है तो इस तरह से एक बार आता है, आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर का जो एंड है वो टूटा हुआ है। इसका यूज किया है मैंने, इसको छोटे टुकड़े में तोड़कर मैंने अच्छे से इसका फाइन पाउडर सा बना लिया था, क्योंकि आज हम इसी का जो पाउडर है इसका यूज करने वाले हैं अपने ही फेस पे, जो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग और ग्लोइंग बनाएगा आपके चेहरे में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक बार खरीद लेंगे तो काफी लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। नहाने के बाद भी आप इसको गीला करके अपने फेस पे अगर आप इसे यूज कीजिएगा तो भी बहुत अच्छा सा शाइन आता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा होम रेमेडी जो व्हाइटनिंग के काम आता है, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर एलम पाउडर यानी फिटकरी को अच्छे से आपको पीस लेना है बिल्कुल फाइन पाउडर में। साथ में 1/2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करना है राइस फ्लावर चावल का आटा, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून के बराबर हनी। तो हनी आपके स्किन को ड्राई होने नहीं देगा, क्योंकि एलम जब हम यूज करते हैं तो स्किन में से मॉइस्चर थोड़ा खींच लेता है तो आपको ड्राइनेस महसूस होगी। तो हनी से बहुत ही अच्छा सा स्किन बिल्कुल टाइटन होगा और साथ में बहुत ही अच्छा सा स्मूदन रहेगा। और इसमें हम ऐड करेंगे गुलाब जल, तो गुलाब जल इतना ऐड करना है कि एक अच्छा सा पैक बन जाए। तो फ्रेंड्स हमारा पैक बनकर तैयार है और फेस में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। आपको फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे अप्लाई करना है आईज को छोड़कर पूरे फेस पे। तो फ्रेंड्स फिटकरी में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, साथ में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, ये स्किन को लाइटन करता है, डिले करता है एजिंग, जिनको फाइन लाइंस होता है उसे रिड्यूस करता है, स्किन सैगिंग होता है उसे ये टाइट करता है, वुंड्स कट्स में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता है, ये वॉश ऑफ करता है बैक्टीरिया जो आपके स्किन में होता है जिसके कारण से पिंपल क्योर होता है, स्कार्स रिमूव होते हैं, साथ में जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है स्पॉट्स हो जाते हैं उसे ये रिड्यूस करता है, और बहुत ही अच्छा सा ये टोनर का काम करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटन करता है, लाइटन एंड ब्राइटन करता है। तो फ्रेंड्स इसको लगाना है, आधे घंटे के लिए आपको इसी तरह से छोड़ना है क्योंकि इसमें हमने हनी ऐड किया है ताकि आपका स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो। हनी में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ये भी आपके एक्ने को रिड्यूस करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शाइनिंग और ग्लोइंग स्किन देता है। तो फ्रेंड्स फिटकरी के और भी फायदे हैं, जैसे कि ये आपके हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जो एक्सेसिव फेशियल हेयर होता है उसे भी रिड्यूस करता है। अगर आपने वैक्सीन किया है तो इसके बाद आप सिंपल जो एलम होता है उसे पानी में डिप करके आप उस जगह पे लगाइए। इस तरह से अगर आप रेगुलर करेंगे तो इससे आपका जो फेशियल हेयर है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगेगा। तो ये जो मैंने लगाया है पूरे फेस पे लगाया है, आईज को और आईब्रोज की तरफ आपको छोड़ के लगाना है। इसे हफ्ते में आप यूज कर सकते हैं 3 से 4 बार, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। ये ऑलमोस्ट सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, और इसे लगाने के बाद आपको 1/2 आवर यानी आधे घंटे के लिए छोड़ना है क्योंकि इसमें हमने हनी डाला है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं सूखेगा। आधे घंटे बाद अब मैं इसे हल्के गर्म पानी से वॉश कर लूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से हम इसे वॉश करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से रिमूव कर लेते हैं। तो हल्का गर्म पानी आपको लेना है, ल्यूक वार्म वाटर, क्योंकि इसमें जो हमने हनी डाला है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो फ्रेंड्स मैंने ल्यूक वार्म वाटर से इसे अच्छे से पोंछ लिया है, अब नॉर्मल वाटर से धोकर आती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, और इसे अप्लाई करना है रात में, और कोई भी मॉइस्चराइजर इसके बाद आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हल्के गर्म पानी से धोना है, फिर नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा एक शाइन आएगा, और इसे फ्रेंड्स करना है नाइट में, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार आप इसे कीजिए और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आता है। दाग धब्बे तो दूर होंगे, जिनको रिंकल्स का प्रॉब्लम है और जिनको पिंपल्स से बहुत ज्यादा परेशानी है उनको भी ये सॉल्व आउट करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।